प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से अपने सरकारी आवास पर मिले। मोदी ने कहा कि आप लोग स्कूलों में जाएं और आज के युवा आपको रोल मॉडल के रूप में देखते हैं, आपसे प्रेरित होकर आपके जैसा बनने की कोशिश करता है, इसलिए आप जरूर जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हॉकी में हम जिस तरह अपना पुराना रुतबा हासिल कर रही हैं वो काबिले तारीफ है। मेंस और वुमेंस दोनों टीमें बधाई के पात्र हैं। आपको बता दें कि भारत ने 22 गोल्ड के साथ कुल 61 मेडल जीते हैं। 22 गोल्ड के अलावा भारतीय खिलाड़ियों ने 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज मेडल जीते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल से भी बातचीत की और उनके अनुभव को भी जाना, उनसे फिटनेस को लेकर बातचीत भी की। बात करना मेरे लिए बहुत ही प्रेरक रहता है, लेकिन सबसे शायद बात करना संभव नहीं होता है, लेकिन अलग अलग समय में आप में से कईयों से किसी न किसी रूप में मुझे संपर्क में रहने का अवसर मिला है, बातचीत करने का अवसर मिला है। लेकिन मेरे लिए खुशी है कि आप समय निकाल करके मेरे निवास स्थान पर आए और परिवार के एक सदस्य के रूप में आए हैं, तो आपकी सिद्धि का यश आपके साथ जुड़ करके जैसे हर हिंदुस्तानी गर्व करता है, मैं भी गर्व कर रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि गर्व की बात है कि आपकी मेहनत और प्रेरणादायी उपलब्धि से देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में राष्ट्र ने खेल के क्षेत्र से दो प्रमुख उपलब्धियां दर्ज की है। राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन के अलावा देश में पहली बार शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की। एक प्रेरणादायक उपलब्धि के साथ आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। साथियों, बीते कुछ हफ्तों में देश ने खेल के मैदान में दो बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ साथ देश ने पहली बार चेस ओलंपियाड का आयोजन किया। न सिर्फ सफल आयोजन किया है, बल्कि चेस में अपनी समृद्ध परंपरा को जारी रखते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। मैं चेस ओलंपियाड में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को और सभी मेडल विजेताओं को भी आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि जिस तरह से देश की आजादी के लिए हमारे वीर सपूत उतरे थे, उसी तरह आप भी मैदान में क्षेत्रीय भेदभाव को भूलकर एक साथ देश के लिए मेडल जीतने के लिए उतरते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।